राजेंद्र सुंडा एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद राजेंद्र सुंडा। आज हमने टॉपिक लिया है फोनेटिक्स का, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का। दो वर्ड हैं एफ यू एल, एज ए सफिक्स भी आते हैं और आइसोलेटेड एफ यू डबल एल, और एक एल ई डबल एस एज ए सफिक्स या आइसोलेटेड भी आते हैं। उन दोनों का अलग अलग उच्चारण होता है, साउंड। तो वो देख लीजिए, जैसे फुल, कई बार फुल बोला जाता है, कई बार फल बोला जाता है। एल ई डबल एस कई बार लेस और कई बार लस या लिस बोला जाता है। तो ये क्या कारण होता है, इसकी वजह क्या होती है, कहाँ हमें इसको सही बोलना है, ये आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो पहले लेते हैं फुल, एफ यू डबल एल। समटाइम्स इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फुल एंड समटाइम्स फल। ये फोनेटिक्स सिंबल है, जो आगे हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। फुल, इसके तीन साउंड होते हैं। एक पहला है, अगर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब सेपरेट, सिर्फ अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए एफ यू डबल एल, तो आपको इसका साउंड करना है सिर्फ और सिर्फ फुल, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर अकेला ही आ जाए एफ यू डबल एल तो फुल होगा। अब रही बात शब्द के साथ, जैसे एफ यू एल, एफ यू एल इस तरह से अगर आ जाता है तब हमें क्या करना है। तो एज ए सफिक्स अगर आएगा तो दो तरह के प्रोनाउंसिएशन ये देगा। एज ए सफिक्स अगर आएगा सीधे तब ये देगा फल, यानी ब्यूटी, ब्यूटीफुल, नॉट फुल, फल, हार्म फल, नॉट फुल, फल, फ्रूट फल, नॉट फुल, फल, एंड वंडर फल, नॉट फुल। ये सही शब्द एज ए सफिक्स के रूप में आएगा तब आप ये करेंगे। लेकिन कई बार एज ए सफिक्स के रूप में आके यहाँ पर ये फुल साउंड दे रहा है, यहाँ पर ये फुल साउंड दे रहा है, यहाँ पर ये फुल साउंड दे रहा है, तो इसका अंतर आप कैसे करोगे। भाई सफिक्स ही है, सफिक्स ही है, प्रत्येक रूप में ये आ रहा है, प्रत्येक लास्ट में एक शब्द के साथ जुड़ा हुआ ही है, तो इसका क्या करोगे आप। इसके लिए आपको ये करना है कि अगर एज ए सफिक्स आ जाए तो फल आएगा, लेकिन यदि वो क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तब आप क्या करोगे, वापस फुल करोगे। मात्रा कहाँ बता रहा है, देखिए नज़दीक आइए, स्पून, स्पून चम्मच, कितना चम्मच भर, फॉक, कितना फॉक फल, फॉक फुल, कांटा भर, और हैंडफुल, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। तो यहाँ पर इसमें सारे इनके अंदर यहाँ मात्रा बताई गई है, इसलिए फुल आएगा। अब इसका कंक्लूजन ये आ गया कि अगर सेपरेट वर्ड है तब तो आएगा फुल, एज ए सफिक्स यदि है तब आएगा फल, लेकिन सफिक्स भी है और मात्रा भी बता रहा है तब आएगा वापस फल, फुल, सॉरी फुल आएगा। अब हम बात करते हैं एल ई डबल एस लेस की। लेस यदि ये शब्द आइसोलेटेड है, अकेला है, तब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसको लेस कहेंगे। अकेला अगर आ गया तो एल ई डबल एस लेस, लेकिन यदि एज ए सफिक्स अगर ये शब्द आएगा तो इसके दो तरह के प्रोनाउंसिएशन है, दोनों सही है, कहीं भी आप काम में ले सकते हो इनको। उनका होता है एक तो लिस या लस, एक तो लिस या लस, जैसे एच ए आर एम एल ई डबल एस, इसको दिखाओ, एच ए आर एम एल ई डबल एस, इसका तो हो गया हार्म लिस या लस, हार्मलेस, हार्मलस, हार्मलस, हार्मलेस, ये होगा। स्लीव, इसका स्लीव स्लीव लेस नहीं होगा, स्लीव लस या लिस, लिस। तो ये दो शब्द हैं, इनके दोनों के मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर फुल आइसोलेटेड अकेला आएगा, एफ यू डबल एल लिखा होगा, तो आपको फुल साउंड करना है। यदि ये किसी शब्द के आगे लग जाता है तो दो साउंड होंगे। सीधे सीधे शब्दों में अगर आ जाए सीधे तो फल आएगा, जैसे ब्यूटी फल, वंडरफुल एंड हार्मफुल, इस तरीके से।
और यदि वो मात्रा बता रहा है इस तरह से तो वापस फुल आएगा। ठीक इसी तरह से अगर एल ई डबल एस लेस आइसोलेटेड है, अकेला शब्द आ गया, तब आएगा लेस। अदरवाइज किसी के आगे प्रत्यय के रूप में लगता है तो वो लिस या लस साउंड देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों के साउंड समझ में अच्छी तरह से आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा फोनेटिक्स के मामले में, साउंड के मामले में। और इसी तरह से और भी हमारे आगे जो वीडियोज़ आते रहेंगे जो आपके लिए रीट में उपयोगी होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, और जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 तक के या कॉलेज लेवल के, उनके लिए भी बहुत सारे ग्रामर के, कंपोजिशन के और बहुत सारे हैंडराइटिंग इम्प्रूविंग वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको अगले वीडियो की। धन्यवाद।